राजद पार्टी की ओर से बेगूसराय महानगर संगठन चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह राजद के प्रदेश महासचिव सह सहायक बेगूसराय जिला निर्वाचन पदाधिकारी और बेगूसराय महानगर जिला प्रभारी राजद सह महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव राजद महिला प्रकोष्ठ बिहार कुमारी कामनी मौजूद थी। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई एवं संगठन को विशेष रूप से धारदार और संगठित बनाने के लिए कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को क्रमबद्ध तरीके से रखा। राजद बेगूसराय महानगर संगठन चुनाव को लेकर हुई बैठक में बेगूसराय महानगर संगठन चुनाव प्रभारी सह प्रदेश महासचिव प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप और बेगूसराय निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ बिहार कुमारी कामिनी ने मौजूद कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया कि चुनाव में गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राजद महानगर संगठन चुनाव को लेकर हुई बैठक में महानगर संगठन चुनाव प्रभारी कुमार चंद्रदीप ने मौजूद कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया कि चुनाव में गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए चुनाव में किसी भी तरह के विवाद से बचें, शिकायत लेकर किसी के पास ना जाएं। राजद द्वारा बैठक अम्बेडकर पुस्तकालय पोखरिया में चुनाव की गाइडलाइन को कार्यकर्ताओं के सामने रखा। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप भारत में बेगूसराय के कार्यकर्ता आपके लिए बड़ी पार्टी बिहार में अब सरकार बना रही है। मैं जदयू के साथ आप मिलन किया है, नया इतिहास आप महिलाओं को क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, महागठबंधन की सरकार में आज से ही जानना चाहिए। महिला आरजेडी के मैदान का करता है, उससे जानना चाहते हैं आप कितना फायदा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण जो योजना था वो कितना और कहीं ना कहीं आप विकास के नदियाँ बहेंगे और खबर लिखने के लिए आपके बारे में बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। बिहार के वैशाली में ही क्या कहते हैं हजारों वर्ष पूर्व लोकतंत्र का वीरारोपण हुआ था और संपूर्ण विश्व में उसका नाम दिया जाता है कि कहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और इसी लोकतंत्र की जननी जो भगवान बुद्ध, महावीर, शेरशाह सूरी, क्या कहते चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की धरती है और क्या कहते हैं यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, श्री लालू प्रसाद यादव की धरती है। यहाँ आके वो जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो बोलते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन जो लोग का जो दिवसीय हुआ था कि फिर पूरे देश में एकमात्र दल रहेगा वो भाजपा है, सभी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। ही इज नॉट हैविंग फेथ इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बारीकी से नीतीश जी के क्या कहते हैं वो तो बाइक चला गया, 8 वीडियो क्लिप है माननीय नीतीश कुमार जी के पास जो प्रमाण है कि खरीद प्रलोभन दिया गया 6 विधायकों को, उसके साथ साथ मंत्री पद का ऑफर दिया गया। तब नीतीश जी जो कि सामाजिक न्याय की धारा के एक शाखा के वो थे, सबके आदर्श महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा फुले पेरियार और क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर, जो भाजपा का जो कार्यकाल था दो दिन का, क्या जदयू को तोड़ने का था क्या बिहार में जी?
जो दो दिन का कार्यकाल चल रहा था भाजपा का, वो जदयू का तोड़ने का कार्यक्रम था। बिल्कुल, उसका तो जदयू क्या, आप जितने भी यहाँ मुकेश सहनी जी वो पिछड़ा समुदाय से आते हैं, उन्होंने छोटे छोटे भाई बहन रहे संघर्ष जारू है, उनके पार्टी के MLA को विलय करा लिया गया, उनके पार्टी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, वो विधान परिषद के भी सदस्य नहीं है और मंत्री भी नहीं रहे, उसके साथ चुनाव लड़े, वो ऐसा काम नीतीश जी के साथ नहीं किया। वो चिराग मॉडल जो बोला गया, क्या कहते हैं माननीय श्री ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सर्वविदित है, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।